आम आदमी पार्टी नूं वड्डा झटका लग्या है। आप दे मंत्री दे वल्लों अस्तीफा दे दित्ता गया है। दस दिए कि आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल दे जेल जाण तों बाद इस मंत्री ने अस्तीफा दित्ता है ते नाल ही पार्टी दे सारे अहुदे भी छड दित्ते ने। दिल्ली सरकार च मंत्री रहे राजकुमार आनंद दे वल्लों अस्तीफा दे दित्ता गया है। दस दिए कि अस्तीफा देण दे नाल ही उसने अपनी ही पार्टी दे खिलाफ मोर्चा खोल दित्ता है। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी का जन्म भ्रिष्टाचार खिलाफ लड़न लई होया होवे उही भ्रिष्टाचार च घिर चुकी है अते मैं नहीं चाहुंदा कि मेरा नाम भी भ्रिष्टाचार नाल जुड़े। ये भी इल्जाम लाए ने कि आम आदमी पार्टी दलित विधायकां कौंसलरां अते मंत्रियां दा सन्मान नहीं करदी। दस दिए कि दिल्ली सरकार च समाज कल्याण मंत्री सन राजकुमार आनंद अते उन्होंने अरविंद केजरीवाल दे जेल जाण तों बाद अस्तीफा दे दिता है। दूजे पासे आम आदमी पार्टी ने कहा है कि राजकुमार आनंद नूं डराया गया है अते जिस कारण उन्होंने अस्तीफा दिता है। तो दस दिए कि राजकुमार आनंद दिल्ली दे विच मंत्री सन ते समाज कल्याण मंत्री सन राजकुमार आनंद जिन्होंने अस्तीफा दे दिता है पार्टी लई झटका मन्निया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल जेल दे विच ने, दूजे पासे आप दे मंत्री दे वल्लों अस्तीफा दे दिता गया है ते नाल ही पार्टी दे सारे अहुदे भी त्याग दिते गए ने। दिल्ली सरकार दे मंत्री राजकुमार आनंद दे वल्लों अस्तीफा दिता गया है। अरविंद केजरीवाल दे जेल जाण तों बाद इह वड्डा झटका जरूर मन्निया जा सकता है ते नाल ही इल्जाम भी लाए ने कि दलितों का सन्मान नहीं करती पार्टी, दलित ठगे गए ने। दूजे पासे आम आदमी पार्टी ने इल्जामां नूं सिरे तों खारज कर दिता है। उन्होंने कहा है कि भाजपा डरा रही है उन्होंने आगुआ नूं ते खरीदो फरोखत भी कर रही है। दस दिए कि आम आदमी पार्टी के वड्डे नेतावां दे विच इक मन्ने जांदे ने राजकुमार आनंद दिल्ली सरकार च मंत्री सी ते उन्होंने अपने अहुदियां तों भी अस्तीफा दे दिता है ते नाल ही मंत्री दा अहुदा भी त्याग दिता है। नहीं, वो मैंने क्या, वही तो मेरा मतलब है कि दलित मंत्री को रख लिया जाता है और जब बात आती है तो कॉर्नर मीटिंगें चालू कर दी जाती हैं, तो रखते क्यों? देखिए, ऐसे समय और वैसे समय की बात नहीं होती। आदमी घुट रहा होता है, घुटते घुटते एक दिन खड़ा हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि कल से पहले ऐसा लग रहा था कि हमें फंसाया जा रहा है, लेकिन कल जब हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया है, हाईकोर्ट ने जो कैटेगरिकली बोला है, उससे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ गड़बड़ है। जैसे पिछले दिनों विधानसभा ने बहुत सारे फेलोज की भर्ती की जिसमें लाखों रुपए सैलरी थी, हजारों नहीं लाखों रुपए सैलरी थी, दो दो लाख रुपए सैलरी थी, और उसमें दलितों को कोई भी जगह नहीं दी गई, दलितों को बिल्कुल नहीं लिया गया उसमें। तो मैं एससी एसटी का भी मंत्री हूँ, समाज कल्याण मंत्री भी हूँ, अगर ये मेरे होते हुए ये सब काम ना हो तो मुझे नहीं लगता कि मेरा यहाँ होना जायज है। इस पार्टी में दलित विधायक, पार्षद और मंत्री का कोई सम्मान नहीं है। इनके अग्रणी जो नेता हैं उनमें कोई भी दलित नहीं है, कोई भी संगठन में दलित नहीं है, जो ऊंचे संगठन है, किसी राज्य का प्रभारी दलित नहीं है। ऐसे हालात में सब अपने आप को, सभी दलित प्रतिनिधि अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। हालांकि बात ये नहीं है कि मैं ऊंची जाति और नीची जाति की बात कर रहा हूँ, हम सब एक इंक्लूसिव सोसाइटी में रहते हैं, हम सब का एक साझा सब कुछ होना चाहिए, लेकिन रिप्रेजेंटेशन की बात, प्रपोर्शन की बात करना कोई गलत बात नहीं है। तो इन सब चीज़ों के साथ मेरा इस पार्टी में रहना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से ये सबको बताना चाहता हूँ कि मैं इस पार्टी और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। मैं यहाँ आया ताकि पे बैक टू सोसाइटी को सच्चे अर्थों में साकार कर सकूँ। इसी उद्देश्य से मैं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा हुआ, जो बाबा साहेब के आदर्शों पर चलने की बात करते हैं, बाबा साहेब का फोटो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर सरकारी दफ्तर पर लगाते हैं, लेकिन जब बाबा साहेब के बातों की बात आती है, देखिए रिजर्वेशन तो संवैधानिक मजबूरी है, लेकिन जब बात रिप्रेजेंटेशन की आती है, जब हम ऐसी जगहों पर अपने आदमी भेजने की बात करते हैं, दलित समाज अपने आदमियों को ऐसी जगह भेजने की बात करता है, जैसे हमारे यहाँ 13 राज्यसभा सांसद हैं,
आम आदमी पार्टी के, उनमें से एक भी दलित या पिछड़ा या महिला कोई भी नहीं। मैं यहाँ आया ताकि पे बैक टू सोसाइटी को सच्चे अर्थों में साकार कर सकूं। इसी उद्देश्य से मैं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा हुआ, जो बाबा साहेब के आदर्शों पर चलने की बात करते हैं, बाबा साहेब का फोटो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस हर सरकारी दफ्तर पर लगाते हैं, लेकिन जब बाबा साहेब के बातों की बात आती है, देखिए रिजर्वेशन तो संवैधानिक मजबूरी है, लेकिन जब बात रिप्रेजेंटेशन की आती है, जब हम ऐसी जगहों पर अपने आदमी भेजने की बात करते हैं, दलित समाज अपने आदमियों को ऐसी जगह भेजने की बात करता है, जैसे हमारे यहाँ 13 राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उनमें से एक भी दलित या पिछड़ा या महिला कोई भी नहीं है। तो ये जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो ये पार्टी अपना पीछे हो जाती है। मैं दिल्ली सरकार में मंत्री हूँ, मेरे पास 7 पोर्टफोलियो है, लेकिन आज मैं बहुत व्यथित हूँ, इसलिए आप लोगों को मैं अपना दुख साझा करने आया हूँ। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। मैं नहीं समझता कि हमारे पास शासन करने की कोई नैतिक ताकत बच गई है।